नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की यह खबर है जो कि महाराष्ट्र की है, उमेश कोहले से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोहले की हत्या में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने शुक्रवार 5 अगस्त 2022 को कोर्ट में बताया कि गिरफ्तार मौलवी मुसल्फ अहमद और अब्दुल अरबाज, जिसकी उम्र 23, ने उमेश कोहले की मौत के घाट उतारने के बाद जश्न मनाने के लिए बिरयानी पार्टी का आयोजन किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि इस बिरयानी पार्टी में और भी कई लोगों को बुलाया गया था। इस बारे में कोर्ट को सूचित करते हुए एनआईए ने कहा कि अब उसे यह पता लगाना है कि इस डिनर पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे। बता दें कि उमेश कोहले हत्याकांड में एनआईए ने बुधवार 3 अगस्त 2022 को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम मौलवी मुशफिक अहमद और अब्दुल अरबाज हैं। आरोपितों की ओर से कोर्ट में वकील अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने दोनों आरोपितों को 12 अगस्त तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। एनआईए के मुताबिक अहमद ने आरोपितों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। अरबाज ने उमेश कोहले और उनकी दुकान पर नजर रखी थी। जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि दोनों ने उमेश की हत्या के बाद अन्य आरोपितों को फरार रहने में भी मदद की थी। मुशफिक ने हत्या के बाद शेख इरफान से फोन पर बात की थी। वहीं अब्दुल मास्टरमाइंड इरफान के ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर का काम कर रहा था। इरफान एक स्वयंसेवी संगठन चलाता था जिसका नाम रहबर हेल्पलाइन था। एनआईए ने बताया कि अन्य आरोपों के अलावा दोनों पर आरोपितों को पनाह देने के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। नूपुर के समर्थन में पोस्ट डालने से उमेश कोहले की हुई थी हत्या। पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाला एक पोस्ट साझा करने पर कोहले की 21 जून को अमरावती शहर में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अरबाज और मुशफिक पहले गिरफ्तार किए गए आरोपितों इरफान शेख, सोएब खान, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, आतिफ रशीद और यूसुफ खान के सहयोगी हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई थी इसी तरह से गला काटकर हत्या। इसी तरह नूपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी के मामले में उदयपुर की दर्जी कन्हैया लाल के बच्चों ने उनके मोबाइल से समर्थन कर दिया था। इसके बाद उनके दुकान में ग्राहक बनकर घुसे दो मुस्लिमों ने गला काटकर उनकी भी निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच भी एनआईए ही कर रही है। आप अपने विचार हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।